श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। आज पूरा हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ के बाद हो सकता है नार्को टेस्ट। तो फिलहाल नार्को टेस्ट कब होगा ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है आफताब का। आफताब पूनेवाला जिसने श्रद्धा की हत्या की, लिव इन रिलेशन में उसके साथ रह रहा था, प्यार का ढोंग किया और उसके बाद जब शादी करने की जिम्मेदारी सिर पे आ गई तो श्रद्धा को जान से मार दिया, गला दबा दिया उसके, और साथ ही गला दबाने के बाद मौत के घाट तो उतार ही दिया, साथ ही पूरे बॉडी को 35 टुकड़ों में बांट दिया आफताब ने। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए लाई डिटेक्ट किया जाता है, यानी जो व्यक्ति पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पहुंचा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका पता लगाया जाता है उसके धड़कन से और साथ ही बढ़ते बीपी के लेवल से ही इस चीज का पता लग जाता है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को मिली श्रद्धा की सोने की अंगूठी। आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी अंगूठी, श्रद्धा के पिता ने जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी अंगूठी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया। देखिए आफताब जिसका अफेयर दूसरी लड़की के साथ था और लिव इन में रह रहा था श्रद्धा के साथ, श्रद्धा की अंगूठी जो श्रद्धा के पिता ने उसे गिफ्ट की थी वो अंगूठी आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी, यानी डबल क्रॉस कर रहा था श्रद्धा को, चीट कर रहा था आफताब। और कहीं ना कहीं श्रद्धा भी इस बात को जानती थी, लेकिन शायद इस जंजाल से, इस पूरे जाल से खुद को निकाल पाने में श्रद्धा दिमाग नहीं लगा पा रही थी, सक्षम नहीं थी, इसलिए मजबूरन वो आफताब के साथ रह रही थी। लेकिन जानकर ये बेहद हैरानी होगी, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन खुलासों के साथ आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है। फिलहाल वो अंगूठी मिली है जो आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था और श्रद्धा को उसके पिता ने दिया था।